हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि अभी हम आ गए हैं चित्रकूट और राम तपोभूमि। यहाँ का मतलब पूरा ऐसे मस्त, अभी पीछे से गंगा जी बह रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, कहाँ? आरोग धाम। हाँ सर, मेरे साथ एक मेरे यहीं का दोस्त नया बन गए हैं, तो इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं यहाँ से आरोग धाम, जहाँ पे ऐसे और आरोग धाम में एक मस्त ऐसे झरना बहता है, वहीं पर चलते हैं अभी हम लोग। और अभी यहाँ से कुछ दूर, कितना दूर होगा यहाँ से आधा किलोमीटर ऐसे जंगल के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, ऐसे पूरा आगे पीछे जंगल ही जंगल। ओ रघुकुल रीति सदा चलिया। बढ़िया से हम लोग सीता चरण जानकी कुंड आ गए हैं, यहाँ से उनका सीता माता का मंदिर यही है। तो अभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं बड़ा ऐसे पहाड़ पे, पहाड़ से ऐसे झरना का पानी गिर रहा है, और मेरे को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन यही भाई मेरे को सब बता रहा है यहाँ पे कैसा कौन सा जगह कहाँ का है। तो अभी हम लोग सीता चरण जानकी कुंड के पास ऐसे हैं अभी, और पीछे से ऐसा पूरा ट्रस्ट उन्हीं का है, उन्हीं के नाम से चलता है। तो अभी हम ऐसा आरोल धाम आ गए, ऐसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग ऐसे स्नान कर रहे हैं। शाम का वक्त हो गया है, थोड़ा सा भीड़ थोड़ा सा कम हो गया है, बस आरोल धाम यहीं पर ऐसा स्नान करके फिर ऐसे चलेंगे हम। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा पास में, हम भी थोड़ा स्नान कर लेते हैं आज। मानो तुम्हें गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पान। चले नहाने, चलते हैं अब। कौन सा कुंड है? जानकी कुंड में चलते थोड़ा सा नहाने। तो हे गाइस, जैसे हम लोग सीता कुंड में नहा कर अब हम लोग ऐसे चलेंगे घर, क्योंकि ऐसा शाम हो गया है और शाम को अभी जा नहीं सकते हैं, तो हो सकता है तो अभी कहीं और जाएं, लेकिन अभी तक का यही प्लान है कि घर चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से घर, यहाँ से थोड़ा सा ऑटो ले लेते हैं, फिर ऑटो से चलेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है। आते टाइम तो ऐसा पैदल आ सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं पहले ऑटो लेकर। तो यहाँ से जानकी कुंड बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर है, और यहाँ से ऐसे जा सकते हैं आप जानकी कुंड। अभी तो हम होकर आ गए श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट। ये यहाँ का ऐसे संस्कृत विद्यालय है, अगर ऐसे कोई भी बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेना हो तो संपर्क कर सकता है। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय। मॉर्निंग रहता तो थोड़ा घूम कर आते हैं अंदर से, हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं अभी, और कुछ देर में ऐसे एक मंदिर घूमने जा रहे हैं। कौन सा मंदिर है? राम भद्राचार्य आश्रम, बहुत ऐसे फेमस मंदिर है, वहाँ पे भी चलते हैं। बड़ी ऐसे मंदिर तो बंद हो गया, तो अब आज का प्लान यहाँ का चेंज होता है, तो चलते हैं अब घर पे ही डायरेक्ट। तो चलते हैं अब घर। ठीक है, अभी हम घर पे आ गए हैं, और ऐसे रात हो गया था जाने में, तो थोड़ा सा कहीं पे भी और जाने का प्लान हुआ नहीं, नहीं तो ऐसे हम लोग आज जाने वाले थे कहीं और मार्ग पर, लेकिन ऐसे बहुत रात हो गया था इसलिए हम गए नहीं, क्योंकि इतना धूप हो रहा है यहाँ पे ना, इसलिए लेट निकल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और लगा। लेकिन कल मॉर्निंग 4 o'clock हम चलेंगे यहाँ से कहीं। अब कहाँ जाना है कल, वो मेरा दोस्त जो छोटू है वही प्लान करेगा, फिर बताएँ। और कमेंट में बताना सीता कुंड आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। ओके बाय।